स्टूडेंट चैप्टर हम लोग कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड टॉपिक एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में भी यही टॉपिक किया एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, बट वो पार्ट वन था। इसमें हम लोग टॉपिक कर रहे हैं पार्ट टू। पार्ट वन और पार्ट टू में क्या डिफरेंस है? अंडर पार्ट वन व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, जो कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है वो नई फर्म की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होती थी, बट पार्ट टू में व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन डिफरेंस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, बट कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर इज नॉट गिवन। स्टूडेंट इस पूरे टॉपिक में पार्ट वन और पार्ट टू में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी चीजें उसी तरह से हैं। जस्ट एक चीज नई होगी कि वर्किंग नोट में हमें जो नई फॉर्म की कैपिटल नहीं दी है उस नई फॉर्म की कैपिटल को फाइंड आउट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ ये हमारा एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा कि नई फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है और हमें उसे कैलकुलेट करना होगा। कैसे? देखिए मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको स्टेप वाइज। अंडर स्टेप नंबर वन प्रिपेयर रिवैल्यूशन अकाउंट। एज यूजुअल हमने रिवैल्यूशन अकाउंट बनाया, डिफरेंट आइटम्स उसमें रहे और रिवैल्यूशन अकाउंट का जो रिजल्ट आया दैट इज प्रॉफिट ऑफ ₹24,000। ओके, अंडर स्टेप नंबर टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एंड फाइंड आउट बैलेंसेस ऑफ कैपिटल आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूशन रिजर्व्स एंड गुडविल। कैपिटल अकाउंट बनाना है एज यूजुअल, और कैपिटल अकाउंट को बना के उसमें गुडविल का, रिवैल्यूशन का, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट आप दे दीजिएगा। ये बेसिक ट्रीटमेंट, और ये सब ट्रीटमेंट देने के बाद आप कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड आउट कर लें। मैंने बताया हुआ है कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में आपको कैपिटल अकाउंट दो पार्ट्स में बनाने होते हैं, तो ये सभी आइटम्स पार्ट वन में ट्रीट करिए और कैपिटल के बैलेंसेस फाइंड आउट कर लें। जैसे हमने ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखे, जनरल रिजर्व्स को अमंग्स पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूशन का जो प्रॉफिट आया 24,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, यहाँ पे जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने माना हुआ है 3:1, तो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, देन गुडविल का ट्रीटमेंट, गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ पे हमने मान लिया कि गुडविल का वैल्यू 90,000 है, फॉर्म की गुडविल का वैल्यू 90, अब पार्टनर रिटायर हो रहा है सी का शेयर 1/6, 15,000 आया और 15,000 से हमने सी को क्रेडिट किया, ए और बी को डेबिट किया। ओके, किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में अगर नहीं हो तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो मान लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि न्यू रेशियो भी 3:2 है, ओल्ड रेशियो भी 3:2, तो गेनिंग रेशियो भी 3:2, तो 3:2 में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 9,000, 6,000। ए बी को डेबिट किया है, देन ए बी डेबिट 9,000, 6,000, सी को हमने 15 से क्रेडिट किया, 9,000 ए से लिया, 6,000 बी से लिया, गुडविल का ट्रीटमेंट दे दिया। ओके, इस तरह से गुडविल का ट्रीटमेंट दिया। फॉर्म की बुक्स में गुडविल बुक्स में अपीयर थी, हमने उसको राइट ऑफ किया अमंग्स ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ कर दिया गुडविल। इस तरह से पार्ट वन में गुडविल का ट्रीटमेंट दिया, रिवैल्यूशन का ट्रीटमेंट दिया, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट दिया और कैपिटल के बैलेंसेस हमने फाइंड आउट कर लिए। ये बैलेंसेस आ गए, इन बैलेंसेस को हमने यहाँ पे कैरी किया।
पार्ट टू में। स्टूडेंट यहां से अब चेंज आएगा, नोटिस करिएगा कि रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है या नहीं किया है, क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम लोग लोन में ट्रांसफर करते हैं, बट अगर लोन में ट्रांसफर नहीं करने के लिए बट पे करने के लिए कहा है तो आप उसको पे करेंगे, और अगर पे करने के लिए कहा है तो आप कोशिश करिएगा कि पेमेंट उसको सेकंड पार्ट में करें, पार्ट वन में ना करें, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट उसी तरह से कि पेमेंट करने के लिए बोला है या नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है तो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस हो उसके अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट को सेटल करेंगे। और यहाँ पर हमने बैलेंसेस ब्रॉट फॉरवर्ड कर दिए, बिकॉज यहाँ पर एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए वो कैश लेकर आएंगे, इसलिए हमने इसके बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट फॉरवर्ड किया है, ठीक है, गॉट इट। देन स्टेप नंबर थर्ड, वर्किंग नोट, यहाँ आपको चेंज मिलेगा। अभी तक आप देख रहे हैं कुछ भी नया नहीं है, पार्ट वन की तरह से ही है। स्टेप नंबर थर्ड, कम टू द वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में आ जाइएगा, और वर्किंग नोट में क्या, सबसे पहला कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ नॉट गिवन, मैंने बताया हुआ है वर्किंग नोट में न्यू रेशियो आइदर गिवन होगा नहीं गिवन है कैलकुलेट कर लेंगे, बट अगर मान लीजिएगा गेनिंग रेशियो भी नहीं है तो फिर न्यू गेनिंग रेशियो भी नहीं है न्यू भी नहीं है तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो ही म्यूचुअली न्यू रेशियो। यहाँ पे हमने यही माना है कि रिमेनिंग पार्टनर का म्यूचुअली जो ओल्ड रेशियो था वही उनका न्यू रेशियो भी है, तो न्यू रेशियो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, क्या, कैलकुलेट न्यू फर्म्स कैपिटल एज फॉलोज, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारा टॉपिक भी यही है। व्हेन कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज नॉट गिवन, कैपिटल तो गिवन है ही नहीं जिसे एडजस्ट करना है, तो सबसे पहले हमें नई फर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। अब नई फर्म की कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, नई फर्म मीन्स फर्म ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, एबीसी तीन पार्टनर, सी रिटायर हो गया, तो ए और बी की जो कैपिटल है दैट इज कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ओके। अब नई फर्म की कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले ऐड रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को आप ऐड करिए, और कौन सी कैपिटल को ऐड करेंगे, जिस कैपिटल बैलेंस को ऐड करना है नोटिस करिए, विच कम्स अंडर स्टेप नंबर सेकंड। आपको यहाँ पे ये वाले ओपनिंग बैलेंसेस को ऐड नहीं करना है, कौन से बैलेंसेस को ऐड करना है, विच कम्स आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एटसेट्रा, ये जो बैलेंसेस, इस तरह से हमने ए और बी की कैपिटल को ऐड किया, ए का ये बैलेंस बी का ये बैलेंस, गॉट इट, ऐड कर दिया रिमेनिंग पार्टनर जो भी है उनकी कैपिटल को ऐड किया, ओके। देन नोटिस करिएगा, बड़ा केयरफुली सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देन ऐड रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल को भी ऐड करिए, ऐड कैपिटल ऑफ सी, बट कब, नॉट इन ऑलवेज, कुछ केसेस में ऐड करना पड़ सकता है, मैंने लिखा है इफ रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन में लिखा है दैट रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए वो कैश लेकर आ रहे हैं रिमेनिंग पार्टनर, तो चूंकि रिमेनिंग पार्टनर की इतनी कैपिटल तो अभी है ही, अब उस सी को पे करने के लिए, सी को पे करना 52, तो 52 और लेकर आ रहे हैं, चाहे ए लाए चाहे बी लाए चाहे दोनों लाए,
बट उनकी कैपिटल तो इंक्रीज हो जाएगी ना, तो यहां पर ऐड करें, बट ऐड कब करेंगे, व्हेन रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। यानी यहां पे भी लिखा है इफ ए एंड बी ब्रिंग टू पे, ठीक है, यहां पे भी मैंने लिखा है। बड़ा ध्यान से आप इसको रीड भी कर सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन किया है। इफ रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग कैश टू पे रिटायरिंग पार्टनर, केवल उस केस में ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, देन ऐड कैश रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग कैपिटल और एज मिनिमम कैश बैलेंस। क्वेश्चन में लिखा होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स कि रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग सफिशियंट कैश टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड आफ्टर इट देयर इज अ बैलेंस, देयर इज अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ रुपी 10,000, 20,000। इस तरह का सेंटेंस क्वेश्चन में गिवन हो कि इतना रुपया लाएंगे रिमेनिंग पार्टनर कि रिटायरिंग पार्टनर को पे भी कर दें, पे करने के बाद भी एक मिनिमम कैश बैलेंस हमारे पास बचे। तो अगर ऐसा कुछ कहा है तो वो जो मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसको भी ऐड करिए। हमने 10,000 मान लिया है, ऐड मिनिमम कैश बैलेंस इफ रिक्वायर्ड, क्वेश्चन में अगर हो कहा हो तो ऐड करेंगे ये दोनों फिगर्स, रिटायरिंग पार्टनर को पे करना और मिनिमम कैश बैलेंस। ओके, अब यहां पर नोट करिएगा, अगर मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड है तो आप उसको ऐड कर रहे हैं, 10,000 रिक्वायर्ड है, 10,000 आपने ऐड कर दिया, बट हमारे पास कुछ कैश बैलेंस हो भी तो सकता है ना, तो जितना कैश बैलेंस है वो आप लेस कर दीजिएगा, लेस एक्चुअल कैश बैलेंस, यहाँ पे भी लिखा है लेस एक्चुअल कैश बैलेंस। ये ब्रैकेटेड है कि अगर आप मिनिमम कैश बैलेंस को ऐड कर रहे हैं तो जो एक्चुअल कैश बैलेंस है क्वेश्चन में जो गिवन है वो आप लेस भी करेंगे, एट प्रेजेंट जो हमारे पास कैश बैलेंस है उसको लेस भी करेंगे। ये लेस किया हमने, माना 22,000 हमारे पास कैश बैलेंस है, हमने वो सब्ट्रैक्ट किया है, गॉट इट। अब इन सबको ऐड करने और लेस करने के बाद कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आ, दिस इज द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म, मीन्स कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, बिकॉज इतनी तो है ही उनकी, एट प्रेजेंट ही है, आप देख सकते हैं 52,000 वो कैश लेकर आएंगे टू पे ऑफ सी, तो 52 से कैपिटल इंक्रीज हो गई, ऐड कर दिया। 10,000 वो लेकर आएंगे किस लिए, एज वर्किंग कैपिटल और एज मिनिमम कैश बैलेंस, तो इतनी अमाउंट से कैपिटल और भी इंक्रीज हो जाएगी, बट बिकॉज 22,000 तो हमारे पास पहले से ही कैश बैलेंस है तो उनको 22,000 नहीं लाना है, तो वो लेस कर दिया। ओके, तो इस तरह से 1,75,000 नई फॉर्म की कैपिटल आ गई। यही हमारा मेन पार्ट था, बिकॉज कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन, तो यहां पे हमने कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैलकुलेट कर ली, ये नई फॉर्म की कैपिटल। पार्ट वन और पार्ट टू में जस्ट यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है, वहां पे नई फॉर्म की कैपिटल मान लीजिएगा 1,75,000 गिवन थी, यहां पे हमने इसको कैलकुलेट किया है। अब आपका काम वही है, क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट अबव न्यू फॉर्म्स कैपिटल अमंग्स रिमेनिंग पार्टनर एंड कैलकुलेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ये जो 1,75,000 कैपिटल आई नई फॉर्म की जो मिसिंग थी हमने कैलकुलेट की, आप उसको ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट कर लो। न्यू रेशियो 3:1, 1,75,000 को ए और बी में 3/5, 2/5 डिस्ट्रीब्यूट किया और प्रोपोर्शनेट कैपिटल आ गई 1,05,000 एंड 70,000 ऑफ बी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, गॉट इट। नाउ लेस एक्चुअल कैपिटल बैलेंस,
जो एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है आप लेस कर देंगे, बिकॉज कैपिटल होनी चाहिए इतनी इतनी, और है कितनी कितनी है, कितनी है जो कैपिटल के बैलेंसेस हैं 77 और 58, ए का 77 बी का 58, लेस कर दिए, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इतना है इतना, यहां पर डिफरेंस सरप्लस या डेफिसिट जो भी आता है, दोनों ही केसेस में डेफिसिट होना चाहिए 1,05,000 है 77, कितना आया 28,000 की डेफिसिट। बी के केस में होनी चाहिए 70 है 58, 12,000 का डेफिसिट। इस तरह से सरप्लस और डेफिसिट कैलकुलेट किया, कंपेयर एक्चुअल कैपिटल बैलेंस कम्स अंडर स्टेप नंबर 2, ये वाला जो, ठीक है, विद अबव कंप्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये जो हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाली, कंपेयर किया, फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट। ओके, देन सरप्लस और डेफिसिट को जो फाइंड आउट कर लिया, स्टेप नंबर 4, कम बैक टू द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमने अधूरा छोड़ा हुआ था, है ना, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन किया, ब्रॉट फॉरवर्ड किया। अब वो जो सरप्लस और डेफिसिट है, बिकॉज यहाँ दोनों केसेस में डेफिसिट है, ए का भी बी का भी डेफिसिट है, मीन्स कैश लेकर आएंगे, कैश लेकर आएंगे तो कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट साइड में बाई कैश 28A 12,000 बी। अगर किसी का सरप्लस होता तो डेबिट में रिकॉर्ड करते। स्टूडेंट यहां नोटिस करेंगे, यहां पे हमको करंट अकाउंट के थ्रू ट्रीटमेंट नहीं देना है, बिकॉज यहां पर पार्टनर कैश लेकर आ रहा है, रिमेनिंग पार्टनर कैश लेकर आ रहे हैं टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड टू मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस। तो यहां ऑलवेज कैश नहीं होगा, कैश या बैंक, करंट अकाउंट के थ्रू नहीं होगा। 28/12 हो गया, रिकॉर्ड कर दिया। अब बिकॉज वो कैश ले आए तो फिर रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर दें, जब पे करेंगे तो टू कैश बैंक रिटायरिंग पार्टनर को यहां पर हमने पे कर दिया, एंड कैपिटल को क्लोज। इधर का टोटल 105, इधर का 70 52, इसको 52 पे कर दिया, बैलेंस 0। ए का और बी का बैलेंस 1,05,070। इस तरह से आपको करना, कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया, देन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में वही सब चीजें, कुछ भी नया नहीं। स्टूडेंट यहां नोटिस करिएगा, यहां पर जो कैश बैलेंस आएगा आप चाहे कैलकुलेट करके देख लें, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो कैश बैलेंस जो रिक्वायर्ड है 10,000 वही आना चाहिए। हम चेक कर सकते हैं, देखिएगा यहां पर ए और बी 28 + 12 डेफिसिट आया, वो लेकर आए कैश में 40,000 लेके आए, हमारे पास कैश बैलेंस कितना था 22, तो 40,000 वो लेके आए, 22,000 हमारे पास पहले से था 62 में से 52 हमने रिटायरिंग पार्टनर को पे कर दिया, बैलेंस कितना बचा 10,000, रिक्वायर्ड कितना था 10,000, मैच हो जाएगा इस तरह से, आप देख सकते 10,000 रिक्वायर्ड। तो ऐसे केस में आप बेशक कैश बैलेंस मत निकालिए, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जो रिक्वायर्ड कैश बैलेंस है वो लिख सकते हैं। क्वेश्चन को वेरीफाई करना हो आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, अब यहां पर बैलेंस शीट में रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस ये जो है क्लोजिंग बैलेंस, आउटगोइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को हमने पे कर दिया, बैलेंस 0, ठीक है, कैश बैलेंस बता दिया मैंने आपको, जो भी रिक्वायर्ड है मिनिमम रिक्वायर्ड। तो इस तरह की प्रॉब्लम, एसेट्स लायबिलिटीज रिवाइज वैल्यूज पर रिजर्व्स लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, शो नहीं करेंगे। तो अगर कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज नॉट गिवन इन केस ऑफ एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, तो जस्ट पार्ट वन, जबकि नई फॉर्म की कैपिटल दी हुई हो उसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि यहां पर आपको वर्किंग नोट में नई फॉर्म की कैपिटल को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे स्टेप्स, रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को ऐड करेंगे ही करेंगे, और कुछ नहीं कहा तो ये नई फॉर्म की कैपिटल है ए और बी। बट अगर इफ रिमेनिंग पार्टनर ब्रिंग कैश टू पे ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, देन
रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी ऐड कर दीजिएगा, ये नई फॉर्म की कैपिटल आ गई। बट इफ रिमेनिंग पार्टनर विल ब्रिंग कैश इन सच अ मैनर दैट आफ्टर पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर अ मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड 10,000, दैट शुड बी एडेड, उसको भी ऐड कर दीजिएगा। बट अगर इसको ऐड किया तो जितना एक्चुअल कैश बैलेंस है वो लेस है, सिर्फ ये चीज नहीं है, बाकी बिल्कुल पार्ट वन की तरह से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।